हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं घोंघा की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने 2 किलो लगभग घोंघा लिया है। घोंघे को हम अच्छी तरह से धो करके इसे हम उबलने के लिए एक बर्तन में डालेंगे और उसमें हम लगभग 1 लीटर पानी डाल देंगे। और ये देखिए, हमने चूल्हे पे इसे चढ़ा दिया है और आप हमारे चूल्हे की हालत देख सकते हैं, ये बरसात की वजह से ऐसी हो गई है। तो अब इसमें हम नमक भी डाल देते हैं थोड़ा सा, और जब तक ये हमारी उबल रही है तब तक हम आपको मसाले दे, प्याज लिया है 500 ग्राम, ये तेल है, और यहाँ लहसुन की है 8-10 कलियाँ है, अदरक है, मिर्चा है 2, और एक दालचीनी है, और जीरा है, यहाँ तेज़पत्ता है, और यहाँ हमने हल्दी पाउडर लिया है जो 1 चम्मच लगेगी, मिर्चा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, और ये गरम मसाले हैं। और इसके बाद इधर हमारी घोंघा उबल चुकी है तो अब इसे हम छुड़ा लेते हैं। तो ये देखिए हम किस तरह से इसे निकालते हैं, किसी भी नुकीले चीज़ से आप इसे निकाल सकते हैं, ये देखिए। और इन सभी को निकालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से 3-4 पानी से रगड़ रगड़ कर धो लेंगे। तो ये देखिए, हमने धो करके रख लिया है। और अब हम चूल्हे पे फिर से बर्तन चढ़ाएंगे और उसमें हम तेल डालेंगे, लगभग 3-4 चम्मच हम तेल डालेंगे, और उसमें हम सारे घोंघे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, घोंघे में हमारी फ्राई हो चुकी है, घोंघे का कलर हल्का ब्राउन होने लगा है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। और फिर से हम इसमें 3-4 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें हम तेज़पत्ता डाल देते हैं, और एक दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देंगे, और जीरा भी हम इसमें डाल देते हैं, जीरा हमारी चटक जाएगी। तो इसमें हम मिर्चा भी डाल देंगे, और अब इसमें हम अदरक और लहसुन को जो हमने मोटी कूच लिए थे इसे भी हम डाल देते हैं, और ये सभी जब ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज हमें कुछ ज़्यादा लग रही थी इसलिए हमने थोड़ी सी रख लिए हैं, और प्याज को हम हल्का भून लेंगे और कुछ इस तरह की दिखेगी। तो इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, अब इसमें हम मिर्चा पाउडर भी डाल देते हैं 1 चम्मच, और धनिया पाउडर भी हम 1 चम्मच डाल देंगे, और नमक हम स्वाद के हिसाब से डाल देंगे। और इन सभी को हम मिला करके अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो ये देखिए, मसाले हमारे अब लगभग भून करके तैयार हो रही है। तो अब इसमें हम घोंघे को डाल देंगे, और घोंघे को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और इसे लगभग हम 5 मिनट तक ढककर ही भुनेंगे, थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहेंगे। तो अब इसे हम ढक देते हैं अच्छी तरह से चला लेने के बाद। और फिर हम 5 मिनट के बाद इसे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से भून चुकी है। तो अब इसमें हम गरम मसाले भी डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, और फिर
फिर से हमने इसे 5 मिनट तक इसे पकाया है। धीमी आंच पर ही इसे हम पकाते रहेंगे। तो ये देखिए मसाले अब हमारे भून के तैयार हो चुकी हैं। टोटल 10 मिनट तक हमने इसे भुना है। तो अब इसमें हमने पानी डाल दिया है। ये देखिए पानी डालने के बाद कुछ इस तरह से है। और इसे हम फिर से 10 मिनट तक इसे अब हम पकने देते हैं। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी घोंघा बनके तैयार हो चुकी है। ये ग्रेवी वाली घोंघा है, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होगी। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं घोंघा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। और हमने कुछ सूखा फ्राई करा था, इसी को हमने सुखा दिया था बाद में। थोड़ा और सुखा देने के बाद ये देखिए ये भी कितना टेस्टी लग रहा था। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।